गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के रिवीजन में हम एक बार फिर से सीखेंगे कर्सिव राइटिंग ए टू एम। इससे पहले कि जितने भी आपके कर्सिव राइटिंग की क्लास हुए हैं उसमें हमने जो भी कर्सिव राइटिंग सीखे हैं वो अलग अलग लेटर सीखे हैं, एक साथ नहीं सीखे हैं। आज हम एक साथ ए टू एम का रिवीजन करेंगे। मैं जैसे लिखूंगी, जैसे मैम ने आपको बता चुकी है मैम कि कैसे लिखा जाता है, आज मैं फिर से एक बार उसका रिवीजन करवाऊंगी और आप अपनी नोटबुक की कॉपी में उसे एक साथ उतारोगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं ठीक से लिखा जा रहा है तो आप फिर से उसे इरेज करके सही करके लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ए हमने जैसे सीखा था सेम प्रोसेस उसी तरह से फिर से हमें लिखना है ए टू एम तक। ओके, ए लिखने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे से हाफ क्रॉप करते हुए स्लैटिंग लाइन देते हुए ऊपर से फिर नीचे की ओर आते हुए फिर हाफ ऊपर आते हुए इस तरह से ओवल बनाते हुए ए लिखेंगे। ये हमारा ए। ए के बाद हम बी लिखेंगे। बी कैसे लिखेंगे, इस तरह से साइड से पेंसिल को स्टैंडिंग लाइन देते हुए फिर स्टैंडिंग लाइन देते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर एक हाफ सर्कल बनाते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। ये बन गया हमारा बी। सी कैसे बनाएंगे, थ्री लाइन में पेंसिल को इस तरह से उठाते हुए गोल करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे फिर ऊपर से वापस नीचे की ओर जाते हुए इसे यहाँ कंप्लीट करेंगे। जब भी हम कर्सिव राइटिंग लिखेंगे तो एक बार पेंसिल रखने के बाद लेटर कंप्लीट होने के बाद ही हम उसे वापस लेंगे, ठीक है। डी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन से पेंसिल रखते हुए नीचे की ओर जाएंगे फिर इस तरह से हाफ गोल से क्रॉस करते हुए हाफ सर्कल की तरह बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम अपना डी। ई कैसे लिखना है, वन और टू सेकेंड लाइन से पेंसिल को इस तरह से उठाते हुए गोल करेंगे फिर एक सर्कल ई की तरह कंप्लीट करेंगे फिर एक सर्कल बनाते हुए इस तरह से गोल करेंगे। ये बन गया हमारा ई। एफ कैसे बनाएंगे, फर्स्ट लाइन के पास थोड़े से नीचे से इस तरह से पेंसिल को घुमाते हुए फिर स्टैंडिंग लाइन देते हुए हाफ करते हुए छोड़ देंगे और बीच में एक स्लिपिंग लाइन दे देंगे। ये बन गया हमारा एफ। जी बनाने के लिए थर्ड लाइन से पेंसिल को उठाते हुए ऊपर की ओर आएंगे फिर नीचे की ओर स्लैटिंग लाइन की तरह करते हुए हाफ सर्कल, ये देखिए, और फिर नीचे की ओर जाते हुए फिर इस तरह से ऊपर की ओर घुमाते हुए पेंसिल को यहाँ स्टॉप करेंगे। ये बन गया हमारा जी। एच बनाने के लिए सेकेंड लाइन से पेंसिल को स्लैटिंग लाइन देंगे फिर स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से हाफ ऊपर कर देंगे, देखा आपने, फिर स्टैंडिंग लाइन देंगे और स्टैंडिंग लाइन से फिर ऊपर की ओर जाते हुए हाफ ओवल की तरह बनाते हुए ये हम बनाएंगे अपना एच। एच के बाद आई कैसे बनाएंगे, आई बनाने के लिए सेकेंड लाइन से गोल करेंगे फिर स्टैंडिंग लाइन देते हुए इस तरह से नाइन की तरह बनाएंगे। ये बन गया हमारा आई। जे बनाने के लिए हम फिर इस तरह से गोल करके नीचे की ओर जाते हुए इस तरह से ये बन गया हमारा जे। के बनाने के लिए जैसे हमने एफ लिखा है उसी तरह से के का एक ये लिखेंगे फिर हाफ ऊपर आते हुए सेकेंड लाइन से फिर पेंसिल को स्लैटिंग लाइन देते हुए फिर वापस आते नीचे स्लैटिंग लाइन देते हुए कंप्लीट करेंगे के। एल के लिए सेकेंड लाइन के पास से पेंसिल को इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए अपना एल लिखेंगे। एम थर्ड लाइन से थोड़ी ऊपर घुमाते हुए स्लैटिंग लाइन देते हुए फिर स्लैटिंग लाइन फिर एक स्लैटिंग लाइन और फिर एक स्लैटिंग लाइन के हेल्प से इस तरह से पेंसिल को गोल घुमा के हम अपना एम कंप्लीट करेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं हम। ए ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। ओके, इस तरह से आप अपनी इंग्लिश नोटबुक की कॉपी में लिखोगे और अच्छी राइटिंग में कर्सिव राइटिंग बनाने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।